नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुंदर वचन में। आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी इंसान दिल का बहुत साफ होता है, जिसने कभी बुरे कर्म नहीं किए, उसके साथ हमेशा बुरा होता है। मगर ऐसा क्यों होता है? अच्छे इंसान को ही क्यों बुरा वक्त झेलना पड़ सकता है? अधिकतर लोगों को इसके पीछे का रहस्य नहीं पता होगा, इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका वर्णन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने किया है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें इंसान के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिल जाता है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यापारी, जो बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। वह सभी तरह के गलत कामों से दूर रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति, जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो हमेशा ही अनीति और अधर्म के काम करता था। वो रोज मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन उस नगर में तेज बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं था। यह देखकर उस नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब वो व्यापारी दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया, तो उस पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। वहां मौजूद सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे, उसका खूब अपमान हुआ। जैसे तैसे वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वो व्यापारी बुरी तरह से चोटिल हो गया। उसी वक्त उस दुष्ट को एक नोटों से भरी पोटली हाथ लगी। इतना सारा धन देखकर वह दुष्ट खुशी से पागल हो गया और बोला कि आज तो मजा ही आ गया। पहले मंदिर से इतना धन मिला और फिर ये नोटों से भरी पोटली। दुष्ट की यह बात सुनकर वह व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए, तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली, आखिर क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी, वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वही इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी को सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान हमें किस रूप में देते हैं, इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु यह सत्य है कि भगवान हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।